पहले से छात्र नेता गायब होते थे, अब हमको देख के छात्र भी गायब हो जाते हैं। जो अभी माहौल है ना वही रहता, ना तो यहाँ कुछ बदला होता है। यहाँ तक कि कभी भी मैनेजमेंट ही होते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं। यहाँ पे कोई मतलब पार्टीज बटी हुई नहीं है, ये सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। जो रोज को ले रहे हैं उनके समर्थन में, जो पहली बार मुंह बता रहे हैं उनके समर्थन में नहीं है। अब हमारे छात्र समाज में अगर 15 मिनट बिगाड़ेंगे, इस 15 मिनट के चक्कर में हम 50 जनों से मिलना रुक जाए। हम लोग PhD स्कॉलर्स हैं, तो हमें ये जो इलेक्शन है इसको पूरी मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। यहाँ पे परिवारवाद, जातिवाद जैसी चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए। अब हम खड़े हैं लॉ कॉलेज में। आज चुनाव से पहले का आखिरी दिन है, कल पड़ जाएंगे वोट, 27 को आ जाएंगे रिजल्ट। तो आज हर कॉलेज का एक बार जायजा करना तो CBC न्यूज़ की तरफ से बनता है। तो लॉ कॉलेज की सभ्यता एक बार तो बिगड़ चुकी है, दूसरी बार हम देखने आए कि सच में वो सभ्य माहौल यहाँ रहता है या सिर्फ हमारे आने से ही वो थोड़ी बहुत हलचल हो गई थी। तो स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि हमेशा माहौल कैसा रहता है और क्या रहता है, और यहाँ पर दो पद पे तो निर्विरोध उन लोगों का मतलब हो गया है कि उनके सामने कोई है ही नहीं। दूसरा स्टूडेंट से बात करते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ हमेशा यानी कि 365 दिन रहता है। सर पहले से छात्र नेता गायब होते थे, अब हमको देख के छात्र भी गायब हो जाते हैं। सर ऐसे कैसा बुरा लगेगा अगर मैं जाऊँगी गायब होते जाएंगे तो? अचानक इनको काम याद आ गया मेरे को देख के। तो आप लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेरे को सिर्फ इतना सा पूछना है कि यहाँ का माहौल हमेशा कैसा रहता है, इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के समय भी? इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में ये डिफरेंस है कि मतलब पहले ऐसा ही आपको भी पता जो है, अभी माहौल है ना वही रहता, ना तो यहाँ कुछ बदला होता है किसी भी प्रकार का, कोई लड़ाई झगड़े। एक ऐसा ही कॉलेज है लॉ कॉलेज इस यूनिवर्सिटी में, जहाँ हर चीज़ उस अनुसार ही रहती है जो हमारे सर चाहते हैं, कि मतलब यहाँ लड़ाई झगड़े ऐसा कोई इश्यूज नहीं रहते, नहीं रहते, सब मिल बांट काम करते हैं। तो सिर्फ हम आए थे उसी दिन ऐसा सब हुआ था, ये लड़ाई नहीं हुई उस दिन भी हमारी, तो मतलब ऐसे जोर जोर से चिल्ला के बात करते हैं सिर्फ, लेकिन लड़ाई नहीं होती। हाँ लड़ाई नहीं होती, हम सब मिल के काम लोग सभ्यता में ही रहता है अपनी। अच्छा यहाँ पे कोई मतलब पार्टीज बटी हुई नहीं है, ये सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई मेन मन। और उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी पद पे तो डायरेक्ट निर्विरोध है, है ना? क्या नाम है उनका? हरीश मेनारिया उपाध्यक्ष है और सही सचिव है साक्षी झाला। साक्षी झाला, और ये लोग निर्विरोध हो चुके निर्वाचित। ठीक है, और तो माहौल यहाँ पे सभ्य ही रहता है। हमें आपसे पूछना है कि लॉ कॉलेज का माहौल हमेशा कैसा रहता है? हमेशा सभ्य रहता है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है और व्यवस्थित रहता है, मतलब ना किसी से नोक। हमेशा ऐसा ही रहता है पूरी यूनिवर्सिटी में? एक लॉ कॉलेज ही ऐसा है जहाँ इतना शालीन सब कुछ रहता है ऐसा? बिल्कुल शालीन, और लॉ कॉलेज का माहौल बिल्कुल सभ्य रहता है। अभी भी ऐसा है? बिल्कुल अभी भी स्वार्थ रहता है सब में, ऐसा कोई कभी कोई न्यूसेंस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे, यहाँ तक कि कभी भी मैनेजमेंट ही होते हैं वो हमारी बात भी ढंग से सुनते हैं, तो कभी भी इस चीज़ का इस प्रकार का हुआ ही नहीं है। दो साल मतलब हम सेकंड ईयर भी आज कंप्लीट हो गया, लेकिन इस बात की कोई वो नहीं हुई कभी। ठीक है, तो सब अच्छे से यहाँ पर रहता है। अशोक सिंह जैतावत और संजय वैष्णव दो जने अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं, किसके समर्थन में बता सकते हैं? आपको तो जो रोज को ले रहे हैं उनके समर्थन में, जो पहली बार मुंह बता रहे हैं उनके समर्थन में नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लग गया है। जो बोले जाए हैं वो संजय कुमार वैष्णव है। अच्छा, जिनको मैंने रोज देखा है और व्यवस्थित उन्होंने यूनिवर्सिटी के सारे काम, चाहे मेरे निम्बाड़ा कॉलेज के काम भी हो तो उनसे उनको बोलता था वो काम करवा देते थे। लॉ कॉलेज का माहौल हमने देखा कि एक दिन तो बिगड़ गया था, लेकिन आज सबका कहना है कि वो माहौल एकदम सभ्य है। दूसरा, सोशल मीडिया पर मुझे किसी ने बताया था कि संजय वैष्णव ने जो पेपर गेस्ट पेपर्स उन्हें दिए वो बड़े हेल्पफुल थे। एक मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 5 क्वेश्चन उन्हें बताए थे जिसमें एज इट इज़ 3 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे आ गए थे। अब कुछ बच्चों के हिसाब से ये अच्छी बात है कि गेस्ट पेपर में दिया हुआ उनके पास आ गया, और कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी है कि अगर गेस्ट पेपर उन्हें पहले से मिल रहे हैं तो वो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान कम देंगे। तो देखते हैं कल वोटिंग होगी और परसों आएंगे रिजल्ट्स, तो देखते हैं कि संजय वैष्णव या फिर अशोक सिंह जैतावत में कौन बनता है लॉ कॉलेज का अध्यक्ष। ABVP से उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी रख रहे हैं आप, विष्णु रेबारी हमारे साथ हैं। सर कल छात्र संवाद था और सुनने में आ रहा है कि ABVP के लोग वहाँ नहीं पहुँचे, तो सर इसका इस पर आपका क्या कहना है? ABVP के लोग वहाँ यूँ नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि हमें अभी छात्रों से मिलना है।
छात्र संवाद तो हम चुनाव के बाद भी कर सकेंगे, अगर हार जाएंगे तो भी करेंगे और जीत जाएंगे तो भी करेंगे। अभी ये समय ऐसा है कि छात्रों से मिलने का समय है, दो दिन बचे हैं हमारे पास, एक एक स्टूडेंट से मिलना है, हॉस्टल में जाना है, घर घर जाना है, कैंपेनिंग करनी, कॉलिंग करनी। अब हमारे छात्र संवाद में अगर 15 मिनट बिगाड़ेंगे, इस 15 मिनट के चक्कर में हम 50 जनों से मिलना रुक जाए। सर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा जो भी कमिटीज हैं वो अगर छात्र संवाद कर रही है तो आपके हिसाब से वो टाइम वेस्ट है? टाइम वेस्ट नहीं है, पर ये छात्र संवाद आपको थोड़े दिन पहले करना चाहिए था। अच्छा, तो 2 दिन पहले ही आपका कीमती वक्त है जो आप जाया नहीं कर सकते छात्र संवाद। अभी हर छात्र नेता के पास, मतलब कोई भी हो छात्र नेता, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 15 मिनट किसी मीटिंग में देगा। जैसे कोई पुलिस लाइन की मीटिंग है, उन मीटिंग में, ये अभी मीटिंग आपको 15 दिन पहले करनी थी। अभी ये टाइम नहीं है 15-20 मिनट किसी छात्र नेता के बिगाड़े, अगर वो 15-20 मिनट बिगाड़ रहे हैं तो वो 2-4 छोरों से वो छूट जाएंगे, वो उनसे मिल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी ये टाइम नहीं है किसी की मीटिंग। लेकिन सर NSUI से सब प्रत्याशी वहाँ पहुँचे, NSUI से सब प्रत्याशी इसलिए पहुँचे कि उनका, अब मैं क्या बोलूँ, वो थोड़े फ्री हैं इसलिए वो पहुँच सकते हैं। और विद्यार्थी परिषद क्या हमेशा बिजी रहती है, हमेशा काम करती है, छोरों के बीच में रहती है, तो उनको इतना टाइम नहीं है कि मीटिंगें ले ये करें, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं, उनके पास ये तो उनको तो क्या एक सोशल मीडिया में आने का मौका मिलता है कि जहाँ कहीं पे भी आएंगे, कैमरे में आएंगे, न्यूज़ में आएंगे, तो हर जगह पहुँच जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कैमरे में आना जरूरी नहीं समझते, हम धरातल पर काम करना समझते हैं, स्टूडेंट का काम करना समझते हैं। हर टाइम यूँ नहीं सोचते हैं हम कि न्यूज़ में आएंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, हम जितना काम करेंगे ग्राउंड पे हम वहाँ से फेमस होंगे। कॉलेजेस में जो इलेक्शन का माहौल है, इसमें हम सब जानते हैं कि चारों जो कॉलेज हैं और हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद, सब पदों के लिए एक एक जना खड़ा हुआ है, दो दो जने खड़े हुए हैं, सब इलेक्शन लड़ेंगे। पर हमारे साथ एक, हम आपको एक एक्सक्लूसिव चीज़ बताना चाहते हैं कि आप सर, आप रिसर्च रिप्रेजेंट यानी कि शोध प्रतिनिधि, ये क्या होता है और इसके भी अध्यक्ष पद की दावेदार और ये सब रहता है, सर वो सब एक्सप्लेन आप हमारी ऑडियंस को करती है। जी इसमें क्या होता है कि जितने भी PhD स्कॉलर्स होते हैं कॉलेज में, उन सब के बीच में से एक कैंडिडेट को इलेक्ट करके रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जो PhD में स्कॉलर्स को आने वाली हर समस्या का समाधान करता है, उनकी समस्या को प्रबंधन के सामने लेके आता है, मैनेजमेंट के सामने लेके आता है और फिर उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली इस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन सिर्फ PhD स्कॉलर्स का इलेक्शन है, PhD स्कॉलर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, PhD स्कॉलर इसमें कैंडिडेट होता है और PhD स्कॉलर इसमें वोट करते हैं। जी तो आप शोध प्रतिनिधि के लिए आप दावेदारी रखते हैं। जी सर, आपके सामने और कितने लोग हैं? मेरे सामने 2 और लोग हैं। सर आपका सर एक काइंड ऑफ अलग डिपार्टमेंट है सर, PhD होल्डर्स थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं ना, तो आप लोगों में कैसा माहौल रहता है इलेक्शन को लेकर? हमारा इलेक्शन बेसिकली जैसा बाकी के जो यूनियन इलेक्शन है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इनसे थोड़ा सा अलग होता है। इन इलेक्शन में भीड़ होती है और नारेबाजी होती है, ये सब चीज़ें होती है, प्रमोशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है, पोस्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे इलेक्शन में इतना नहीं होती, क्योंकि हमारे इलेक्शन में छोटा सा इलेक्शन है, सिर्फ इसमें स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि सारे विश्वविद्यालय के छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जितने भी हमारे स्कॉलर्स होते हैं उनको, हम लोगों को बेसिकली मैन टू मैन मार्क करना पड़ता है कि पर्सनल, दिस इलेक्शन इज ऑल अबाउट, नॉट अबाउट यू नो the mass gathering, yeah, not about the mass gathering but about the behavior you maintain with others, the relation you maintain with others. So दूसरा ये कि 13,000 यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, 30% वोटिंग एवरेज चल रहा है सर, अभी के अगर रिपोर्ट्स देखें तो सिर्फ 30% बच्चे ही वोट करते हैं। सर आप में तो पहले से ही क्वांटिटी बहुत कम होगी सर, आप एक एवरेज रेशियो बता सकते हैं कि कितने बच्चे, एक अगर एवरेज अमाउंट आप बता सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में 2000 या 2200 के आसपास टोटल स्कॉलर्स हैं, PhD स्कॉलर्स, उनमें से जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो हैं अप्रॉक्स 1200 और उन 1200 में से वोटिंग होती है जो हर साल है वो अप्रॉक्स 350 वोटिंग होती है। और सर 3 जने आप दावेदारी रख रहे हैं और उनमें से एक आप हैं। जी मैम। सर आप भी रिसर्च रिप्रेजेंटेशन बनेंगे तो सर काम आपका थोड़ा सा अध्यक्ष वाला ही रहेगा, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे सर, किस बेसिस पे आप काम करने वाले हैं? जी जो मेरी बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं स्कॉलर्स के लिए उनको लेके मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें मेरी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जो PhD स्कॉलर्स हैं हमारे विश्वविद्यालय में उनके लिए प्रॉपर हॉस्टल्स का भी अरेंजमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं सिर्फ एक रिसर्च हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, वो भी फीमेल्स के लिए, कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी हॉस्टल की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मेल कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे उनके लिए एक हॉस्टल है, उसमें मुश्किल से 8 से 9 रूम्स हैं। तो बाकी सब कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, जैसे JRF ही होंगे, अगर मैं बात करूँ 500 के आसपास जो रेगुलर स्कॉलर्स हैं
तो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। अगर जहाँ हॉस्टल है भी गर्ल्स कैंडिडेट को यूजी और पीजी का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें शिफ्ट करके रखते हैं तो उनके साथ उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल प्रोफेशनल मैच्योरिटी वाला भी डिफरेंस आ जाता है। हाँ, और दूसरा जो हमारा मेन इशू है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरीज़ की हालत है, ठीक है, अगर हम लाइब्रेरीज़ में जाते हैं तो 10-10 साल पुराने एडिशन्स मिलते हैं हमें बुक के, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है। और रही बात अगर हम स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्कॉलर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नहीं लगता बुक्स के अलावा कुछ और हो सकता है। जी जी सर, आपको तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि अगर आप लाइब्रेरी का मुद्दा उठा रहे हैं तो आप कितनी देर जाके बैठेंगे, क्योंकि आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग वहीं मिलेंगे मुझे। जी, तो दूसरा जो है ई लाइब्रेरीज़ का, यूनिवर्सिटी में हर जगह ई लाइब्रेरीज़ का, हर कॉलेज लाइब्रेरी में भी ई लाइब्रेरी के नाम पे एक पोर्शन है, बट लिटरली वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, एक कंप्यूटर भी वहाँ पे नहीं है। तो ई लाइब्रेरीज़ की हालत बहुत बुरी है, और जितने जर्नल्स के एक्सेस हमें चाहिए उतने जर्नल्स के एक्सेस हमें पर्सनल कितने एक्सपेंसिव जर्नल्स होते हैं उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी उनको हमें प्रोवाइड करवाए तो हम लोग उनसे उनको यूज़ करके अपनी रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पर आप काम करने वाले हैं और ये सब चीज़ें, जो एक और जो मेजर जो इशू है हमारा, जो थीसिस सबमिशन की जो फीस है वो हर जगह हर यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेटली 9,000 के आसपास है, जो कि इस यूनिवर्सिटी में 18,000 रुपये। ओके, डायरेक्ट डबल। जी, तो हम उसको भी जितना कम हो सके उतना कम करवाने की कोशिश करेंगे। जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हम लोग PhD स्कॉलर्स हैं तो हमें ये जो इलेक्शन है इसको पूरी मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। यहाँ पे परिवारवाद, जातिवाद जैसी चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमको ये जो स्कॉलर्स की जो बेसिक नीड्स हैं, जो स्कॉलर्स के लिए एक्चुअल ज़रूरतें हैं, उन पर फोकस करके उनके लिए काम करना चाहिए, ना कि इसमें हमें परिवारवाद, भाईवाद, जातिवाद घुसाना चाहिए। तो बस मेरी इतनी सी अपील है, और बाकी मैं सभी शोधार्थियों से कहना चाहूँगा कि कल 26 अगस्त को आप सुबह 8 बजे आएँ और वोट करें, प्लीज़। सर, अगर आपने ये मुद्दा उठाया कि ऐसी परिवारवाद, जातिवाद नहीं करना चाहिए, आपको अपील करनी पड़ी, तो क्या सामने जो कैंडिडेट्स हैं वो इन सब पे गौर कर रहे हैं थोड़ा? जी, थोड़ा सा चल रहा है, तो इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है। ठीक है सर, ओके।